जनपद में अपराधों की रोकथाम व मुकदमों में वंचित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास दो हिरण की खाल भी बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 10 लाख है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र सिरसिया का है, जहां पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से दो हिरण की खाल भी बरामद हुआ है। रात 1 अगस्त के दौरान क्षेत्र भ्रमण थे, मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति हटवा से ताल बखौड़ा की तरफ जा रहा है, जिसके पास कुछ कीमती सामान है जो संदिग्ध लग रहा है। इस सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंचकर हटवा पुल से राष्ट्रीय नेपाल को जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास दो हिरण की खाल भी बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 10 लाख बताई जा रही है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल रवाना किया जा रहा है। श्रावस्ती से देवेंद्र कुमार मिश्रा की एक रिपोर्ट। एक को गिरफ्तार किया गया है, क्या है मामला और कहां से बरामद हुई है? देखिए, जनपद श्रावस्ती की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से नेपाल से लगती है, और अक्सर यहां पे शिकायतें आती हैं कि ऐसी अमूल्य चीजों की जो कि संरक्षित भी है, उनकी तस्करी जो है बॉर्डर के पार की जाती है। इसी क्रम में आज सुबह जो है मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो है, जिसका नाम जगराम है, तो कुछ संदिग्ध वस्तु लेकर जा रहा है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पूरे एरिया की कॉम्बिंग की गई, तो इस व्यक्ति को हटवा के पास से, जो हटवा पुल है, वहां से दो हिरण की खाल के साथ गिरफ्तार किया गया। इसको वन जीव संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है।